गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खुशबू, सीनियर डाइटिशियन एट राजेश्वर हॉस्पिटल। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और इस न्यूट्रिशन वीक आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और एज अ डाइटिशियन मैं तो आपको डाइट ही बताने वाली हूँ। सो आज हम जो बात करेंगे कि ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन हमारा डाइट कैसा हो, तो हमें अपने डाइट में क्या बढ़ाना है और क्या घटाना है। सो सबसे पहले हमें अपने डाइट में इंक्रीज करने हैं फाइबर, फ्लूड विद बैलेंस डाइट। फाइबर इंक्रीज करने से हमें जो है कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। और उसके लिए हमें अपने डाइट में जो इंक्लूड करना है वो है मल्टीग्रेन, ओट्स, बार्ली, जौ के सत्तू, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, होल ग्रेन एंड होल फ्रूट्स विद एस्किन। कोई भी फ्रूट्स का हमें स्किन नहीं हटाना है। फ्रूट प्रॉपर अच्छे से साफ धुले हुए होने चाहिए जो हमें यूज़ करने हैं। उसके बाद हमें जो फ्लूड इंक्रीज करना है उस फ्लूड को, फ्लूड कहते हैं, कहने का मतलब है कि वाटर। जैसे ही हम बॉडी में अगर वाटर कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। सो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना वाटर इंटेक जरूर चेक कर लेना चाहिए कि हम कितना लीटर पानी पीते हैं। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि 10 से 12 ग्लास पानी ही हमें औसत प्रतिदिन पीना है, लेकिन जो लोग कॉन्स्टिपेटेड है उन्हें 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना है। और उस पानी को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे डाव वाटर, बार्ली वाटर, सत्तू वाटर, जो हम लोग मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा को बटर मिल्क भी बोला जाता है, बटर मिल्क। और साथ में हमें नॉर्मल वाटर पीना है। ये इंक्रीज करने से हमारे डाइट में कॉन्स्टिपेशन से बहुत हद तक रिलीफ मिलती है। सो इस न्यूट्रिशन वीक स्टॉप कॉन्स्टिपेशन विथ हेल्दी डाइट। थैंक यू।